बैठ जाओ आप जी। सबसे पहले हम गणपति का ध्यान करें जिससे कि हम साधना को निर्विघ्नता पूरी कर सके। आज जोड़ दीजिए, ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुपदाय सुरेश्वराय विद्याधाय विकटाय सुदामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय जन्मा नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय जन्मा विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमोस्तुभ्यं विनायक लंबोद नमस्तभ्यं सतम मोदक प्रिय निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धः श्रीमन महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यान महा उमा महेश्वराभ्यान महा शचि पुरुंदराभ्यान महा मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणी हृदय गर्भाभ्यान महा शचि पुरुंदराभ्यान महा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। तत्रादुपां मानस्तोकितनयतिं शिखावन्दनम् छोटी की गांठ लगाओ। ओम मानस्तोकित नये मान आविवानो गोकुमानो अश्वे गुरुमानो वीरांध्र भावीनो वधिरे अवामहे हाथ नीचे कर लो और बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करो, शरीर पर जल छिड़को। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग वा यस्मरे पुनरी काक्षिम सबाह्याभ्यम तुचिम पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवित्र वा प्रसवा उत्पूर्णाम मिश्रेण पवित्रेण साम सूर्यताम दीर्घाम तुभ्यम सुमदिमा ईर्कल्याम तुभ्यम संपर्द देहे। तत्रादु स्वास्थ्य न तिलकम कृत्वा आगे कुमकुम है उसको घोल करके अपने दिमाग पर तिलक करिए। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अश्वेगन्धां पाण्डुं दीक्षावाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सदमाप्नोति सदयां स्थितिमाप्यते साम पुरुषां। जल लेकर के अपने चारों तरफ एक घेरा डाल दो। ओम रक्ष रक्ष गहा रक्ष रक्ष त्रैलोक रक्ष भक्ता नाम भयंकता प्राता भगवान द्वे मातु कृपा सन्दो सान मातु रंग रिप्रो वर्धतम ब्रह्म देहि वाचितम मा सिद्धार्थ अनेन फलदायिनः शुभ कर्म प्रसादतः ताम पुरुषम रक्षाहणम तिरक्षोहणम बलगानम वैष्णवी मिद्वान्तम रक्षो नाम पुरुषा मधास्मानम सहायतसाम पुरुषम रक्षताम तुभ्यम संपर्द देहि। अपनी माला को पूजन करिए। माला कभी सुमेरु है जहाँ लाल धागा है जैसे तुम्हारा बंधा हुआ है उस पर कुमकुम का तिलक करिए। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिगुणा अष्टम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ा दीजिए। मोस्नापुरुषाम अक्षुन नमीमंतव्यामुदगता अस्तोघतस्व भानवो विप्रान्विष्टयामति योजाक्षिन समयामि अक्षतान्ते पुष्पम धूपम समर्पयामि पुष्पान्ते पुष्पम धूपम दीपम निवेद्यम ताम्बूलम प्रदक्षिणाम समर्पयामि मा लक्ष्यदक्षिणान्ति पुरुषाम पुरुषोम ताम हंत शतष्टोत्तरीम पुरुषी साधनान्ति पुरुषाम स्वर्ण देहा अवसरा प्रत्यक्षम प्रदा ताम पुरुषम तुभ्यम संपर्द देहे। अब इस माला को गले में पहन लो। और दोनों हाथ उठा करके दसों दिशाओं से बल प्राप्त करिए। ओम पूर्वा सतां सैवा सतां पूर्वश्यौ अथम्मां पूर्वाग्ने आमूर्वा दीर्वा साम दक्षिणो वतां दीर्घतवतां सदैवां साम दीर्घां वायव्यैवां पूर्विशां पश्चिमोत्तरां प्राह पूर्वा अतास्मां दिरो सतां नैऋत्यौ नैऋतां सा दीर्घां ईशानं साम दीर्घा साम उत्तरो पूर्वसाम अध ऊर्ध्वं सा पुरुषां बलमिंद्रियं वस्तु में क्रम बीजम आत्मा वै क्षत्र विरोमा प्रसिद्धमयी राष्ट्र मुद्रवगुम सौग्री वास सुसुने ओरुम और जागन विषो में गाम सर्वता। आम जी करो। अब आप गुरु को प्रणाम करें और आपके पास गुरु का चित्र है तो उनकी पूजा कर रहे आज होगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु चंद्रकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचा लंपं गुलंगिते गिरं यत् कृपा वंदे परमानंद माधवम गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि मम गुरु पाद पूजं समर्पयामि तुभ्यं संप्रदे। तत्रादौ तिलकं कृत्वा कुमकुम का तिलक करिए अंगूठे से
नीचे से ऊपर की ओर। मोशंता सहस्र मूर्ते सहस्र पादाक्ष रूपावे सहस्र नाम ने पुरुषा यथा सुते अष्टम सुनप्रामीन वहा ओम अक्षम नमी मन तव्याम मधुकता अस्तौ कथ सुभानवो विप्रान विश्वयामति उजाम विंधि। हाँ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुस्त सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव। अनियाम पूज्याम सांगाय सहजीवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महांसाम गुरुत्वे मम शरीरम स्थापयामि तुभ्यं पूजनान्ति तुभ्यं संप्रदे तत्प्रादु सुरणदेहा फ्रॉम आवाहयामिन आगच्छ। अब सामने चित्र है सुरणदेहा का, वो सामने रखिए। और हाथ में जल लीजिए दाहिने हाथ में। मैं इसमें गोत्र का उच्चारण करूं तो आपका अपना गोत्र याद होना चाहिए, और यदि गोत्र आपको याद नहीं है तो फिर भारद्वाज गोत्र का उच्चारण करें और अपना नाम उच्चारण करें। ओम विष्णु 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 भारत श्री पटखंड जम्मूदी पे शालीवासाई मंद्रवासे अप्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्राप्त दक्षिणा सरकार संहारण सत्वर मन की काम नतम लोक भाई राज्य द्वारे सर्वत्र यशव जीव लाभादी प्रतिभा से सब पुत्र से सब मानस्य अखिल कुटुंब से तस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आयु मां अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए। ताम शरण देहा सिद्धम प्रत्यक्ष 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 भवता पुरुष मम जीवनों पर सुख सौभाग्य धन धान यश प्रतिष्ठा प्राप्त निमित्तम स स्वर्ण आभूषण पुरुषाम सुख सौभाग्य भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त निमित्तम स देह स चिंत्य स मूर्त्यम स दीक्षा स समस्त देहापि मम प्रत्यक्ष आगच्छ आगच्छ ताम पुरुष अमुक गोत्र उत्पन्नो हम पुनः गोत्र अमुक शर्मा हम ताम पुरुष स्वर्ण देहा तुभ्यम संपर्द देहे जमीन के दल छोड़ अब उसके स्वर्ण देवता के सामने तिलक करिए ललाट कर। ओम सचिन इंद्रो वृद्धवाह स्वूखा विश्ववेदाह सचिन स्तारक्षो वरिष्ठ में मी सचनो बृहस्पति धातु। अब थोड़े चावल बाएं हाथ में लीजिए लेफ्ट हैंड में और थोड़ा कुमकुम से रंग दीजिए। और मैं प्राणस्थ इतना मंत्र उच्चारण करूंगा, आपको एक एक चावल या थोड़े थोड़े चावल उस अप्सरा चित्र पर डालने हैं जिससे वो प्राण सजीव युक्त चेतना युक्त मंत्र है। ओम प्राणो ये प्राणम सा पूर्व अधस्मान दीर्घा युवा बला पुरुषम अधोस्मान सा नेत्रो सा नेत्रम सा लाटो लाट शिवादी नासिको यो नासिकांश मुखे मुखे व्यास पुरुषम दीवायाम दीवार से पुरुषा बाहोभ्याम बलिगम वक्ष स्थलो वहां पुरुषम अधास्म नाभूषा गंगाभ्याम पादयो पाद सरस्वती समस्त शरीर अंग प्रत्यंगम सा पूरा स चैतन्य स जागृय अंकन चंदन पमीन सा बिंदुराव मृदय मृदय मलय मलय जागृय जागृय त्रोट त्रोट दीपम दीपम कुरु कुसाह पाम बिन पूर्वा गुणाम खांखी खूंखी चाम शांशी रूपा इंका पुरुषम अथास मनु स्वर्ण देहा स्राम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम मात पुरुषम तस्मान सा चिंतम सचिंतम स नेत्रम स नेत्रम तुभ्यम से मम शरीर स्थापिम स्थापिम तुभ्यम संपर्क दे। बाकी चावल सब उसके चढ़ा दे। आज जोड़ स स्वर्ण देहा स्राम साम प्रत्यक्ष मम शरीर स्थापयामि स मित्र भावेन साम पुरुष अपसराम सामी प्रेमिका रूपेण साम पुरुष आशा आवायामी आगच्छ आगच्छ स्थापयामी तुभ्यम से म जीवन पर्यंतम सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा प्राप्त निमित्तम स देह सुखम व्यवस्थित मन सुख स आत्म सुखम प्राप्त निमित्तम स पूर्णत्व प्राप्त तुभ्यम श्रुति गुरु आज्ञा सा सुख तुभ्यम संपर्क दे। अब दाहिने हाथ से जहां जहां अपने शरीर को स्पर्श करूं आप भी वहां अपने शरीर को स्पर्श करें। मैं उस स्वर्ण यात्रा को आपके शरीर में स्थापित मंत्रों के माध्यम से कर रहा हूं। ओम साम पुरुषाम अधास्मान दीर्घासी स्वर्ण देहाम साम ब्रह्म ब्रह्म कुलोद्भव साम ब्रह्म मंत्रेण साम पुरुषाम स्व प्रत्यक्ष सा चित्त मम शरीरे आप श्री अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपने गुरु अमुक शर्मा हम मम शरीरे स्थापयामि नः इति पुरुषम ललाटे साम पुरुषे शिरो मम स्थापयामि नः दीर्घास पुरुषाम ललाटे वाम पुरुषा अधस्मान सा चिंतन सा पुरुषम अधास्मान सी नासिकयो सुख नासिका पुरुषा अधस्मान
गुलाबद्रोष्ठवापुरुषां कुसुमं पारुषां कुमारिद्वा इच्छुकुम्बापुरुषिकुम् पुरुषात्मानं द्विवायां अंसनीतां पुरुषामधात्मानं सति द्वति वक्षस्थलुमा ईश्वर पुरुषात्मानं बाहोभ्यां बलमिन्दुकुमस्तोमि क्रम बीजमुषां नाभौषां दीर्घांशन्ति उद्रोषा पुरुषे उद्रोषां पुरुषावधात्मं जङ्गोभ्यां पदां पुरुषान्ति पादयोषां पुरुषपदे सा चरणोषां दीर्घांशि मम पृष्ठोर्मां उद्मुगु समस्त श्रीदेवानां पुरुषमधात्मानं स चिन्तयामि जां दीर्घायुत्वाय बलायुवच सुब्रतां यशसाम अथो जीव उस यंत्र को अपने सामने रखिए। बाएं हाथ में यंत्र को ले लीजिए, यंत्र को बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, दाहिने हाथ से इसके ऊपर जल चढ़ाइए। ओम वरुणोत्तम हनुमसे वारुणी सो वरुष्य 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 उसको पहुंच लीजिए कपड़े से या किसी से, यंत्र को पानी सुखा दीजिए। कुंकुम समर्पयामि नमः श्रीखंडम छिन्दम दिव्यम केशरादि छिन्दम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चिंतताम स्वामी सोमुचिता कुंकुम समर्पयामि नमः कुंकुमाक्षतम समर्पयामि नमः चावल चढ़ाइए। ओम अक्षम नमी अंधप्रियाक्षण कुंकुम तिलकम कृत्वा कुंकुम से तीन बार तिलक करिए। फिर इसको बाएं हाथ में बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से इसको बंद करिए, दाहिने हाथ उसके ऊपर बंद करिए, संपुट कर लीजिए। ओम दीर्घायुत्वाय सा पुरुषाम सा चैतन्यम स्वर्ण देहा यंत्रे ना सा पुरुषांसी अथास्मानम जीवनो पर्यंत सा आबद्ध आबद्ध कीले कीले त्रोट है त्रोट गुरु साक्षिणताम गुरु मंत्रेण सा पुरुषाम अस्वाम से पुरुषाम स्वर्ण देहा स्वाम सिद्धि भवा ताम पुरुष प्रमुखम सिद्धि भवा अवसुत विचितम सिद्धि भवा ताम ईश्वर साम दीर्घायुत्वा पुरुषमा दीर्घाति अथास्मानम सा कृताम क्रांति पूर्व से आदत व्यम संपर्द देहे। इसको खोल करके फिर एक बार कुमकुम का तिलक करिए उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर से कुमकुम का तिलक लेकर के अपने ललाट पे लगाइए, यंत्र के ऊपर से फिर कुमकुम वापस लेकर के अपने ललाट पर लगाइए और यंत्र को सामने रख दीजिए जहां अप्सरा है उसके पास में सामने। अब मैं मंत्र आपको लिखा देता हूं, उस मंत्र को आप लिख दें तो यहां पर निर्मोही जी आपको लिखवा देंगे। मैं बोलता हूं क्यों गुरुमुख से मंत्र मिलना चाहिए इसलिए बोलता हूं, आप लिख लें और फिर यहां बोर्ड पे लिख देंगे निर्मोही जी, फिर आप उसको देख सकते हैं बाद में। ओम एंग स्वर्ण देहा सिद्धिम प्रदाय वश्य एंग फट। वापस बोलता हूं, ओम एंग स्वर्ण देहा सिद्धिम प्रदाय वश्य एंग फट। और तीसरी बार और उच्चारण करना है, ओम एंग स्वर्ण देहा सिद्धिम प्रदाय वश्य एंग फट। और ये मंत्र यहां बोर्ड ला देते हो बड़ा सा पड़ा है बड़े अच्छे। अभी आधे घंटे का तुम्हें रेस्ट देंगे, अपने चाय वाय पी सकते हैं, फिर वापस मुंह धो करके और पांव पे थोड़ा जल छिड़क करके वापस अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। और इसमें बज रहे हैं 12:15, आप बिल्कुल 12:45 आके बैठ जाएंगे और 12:45 से लगा करके और 4 बजने में कुछ मिनट कम होंगे तब मैं आऊंगा, तब तक आप मंत्र जाप करेंगे तो बीच में नहीं उठेंगे। और अनवरत मंत्र जाप होने की इसमें तीन बातों का ध्यान रखने का जरूरत है, आपके सामने अप्सरा का बिंब रहे, यानी आंखों के सामने जैसे अप्सरा नृत्य करती हो, अप्सरा कैसी होती है तो मैंने इस पत्रिका में लिखा है और आपने पढ़ा होगा, यदि कोमल और सुगंधित गुलाब के पुष्पों को मिलाकर नारी शरीर बनाया जाए, यदि सुंदर यानी पूरे सौंदर्य की जो प्रतिमा है
वे आपके सामने बिंब रहना चाहिए, आंख से मंत्र जाप, होठों से मंत्र जाप होना चाहिए, उच्चारण जोर से नहीं हो, और अकंपित भाव से मंत्र जाप को, हिले डुले नहीं, न तो हिलने की जरूरत है, कम से कम आप अपने पांवों को या आंखों को हिलाएं डुलवाएं। अब यूं तो अगर अभ्यास नहीं है थोड़ा हाथ पांव हिला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी यथासंभव जितना आप एक आसन पर सीटिंग कर सकेंगे, जितना अकंपित भाव से बैठ सकेंगे, उतनी ही निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी ही। और जो न्यूनता है वह मैं 4 बजे आकर के पूर्णता करूं। अगर तुम्हें कुछ न्यूनता रह भी गई मंत्र जप में या किसी बात में, तो मैं उसको पूर्णावती का मतलब है मैं पूर्णता प्रदान करूंगा, तुम्हारे जीवन में न्यूनता नहीं रह सकेगी, ये गारंटी नहीं। और मैं एक बार तुम सब लोगों का यहां आने के लिए आशीर्वाद देता हूं कि वास्तव में तुमने और तुम में जीवन और जीवट है, क्षमता है, एक चैलेंज को उठाने की तुम में ताकत है, लोगों की आलोचनाओं के सामने खड़े होने की क्षमता है। और मुझे शिष्य ऐसे ही चाहिए जो लपकते हुए अंगारों की तरह हो, बुझे हुए कोयलों की तरह शिष्य मुझे नहीं चाहिए। जो क्षमता है तुम में, और अगर तुम्हारा गुरु स्वयं समर्थ और क्षमतावान है, तो उनके शिष्य के शरीर में इतना कमजोर और गया भी तक खून बहना भी नहीं चाहिए, जो बिल्कुल चुपचाप सहन करने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी, तीनों चीजें उसमें रहनी चाहिए। आंख में तुम्हारा मंत्र 15-20 बार उच्चारण करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, फिर उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं। आंख के सामने बिंब रहना चाहिए, और बिंब कोई भी सौंदर्य आपके सामने ध्यान हो उसको बिंब ला सकते हैं। अत्यंत सुंदर नारी आकृति सामने होनी चाहिए बिंब में, एक, और माला बिल्कुल जपनी चाहिए, दो, और होठों से मंत्र उच्चारण होना चाहिए, तीन। कितनी मालाएं हो ये गणना की जरूरत नहीं है, तुम्हें 4 बजे तक मंत्र जाप करना है। अनवरत, अनवरत का मतलब है कि बीच में रुके नहीं, ये दो माला फेरी फिर पिसाब करने गए, फिर दो माला फिर पानी पीने गए, ऐसा कुछ नहीं। सजगता ताकत तुम्हारे पास होनी चाहिए, और मैं 4 बजे के आसपास में वापस आऊंगा और मैं तुम्हारी पूर्ण आहुति करवाऊंगा। मैं एक बार तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें पूर्ण सफलता मिले, एक बार आशीर्वाद। माङ्गल्यरूपम् अपरम् महितं वदेवम् ज्ञानं वदान्त्यवदितं सहितं सदेवम् आत्मोवतां च परितं पहितं सदेवम् स्वर्णं वतां च वदितीं महिदेविरूपम्। कल रात्रि को मैंने अप्सरा शब्द का अर्थ और जीवन में उसकी आवश्यकता पर आपको एक दिशा दृष्टि, एक चिंतन दिया था। यह समझाया था कि जीवन में कोई साधना गौण नहीं होती, प्रत्येक साधना का जीवन में एक महत्व होता है। और मैंने यह भी समझाया था कि जीवन में सफलता के लिए एक निष्ठता, दृढ़ता और साहस जरूरी है, और जरूरी है श्रद्धा और समर्पण का, जरूरी है अपने आप को आंकने का, अपने स्वयं का मूल्यांकन करने का, और यह एहसास करने का कि मैं अपने जीवन के इस चौराहे पर कहां खड़ा हूं। और जब व्यक्ति अपने आप को तोड़ने लग जाता है, आंकने लग जाता है, तो अपने आप उसका आगे का जीवन समर जाता है। अगर रात को आप साधना में थे तो मैं भी आज रात्रि को आपके ही संपर्क में था। आप यहां साधना कर रहे थे और मैं अपने कक्ष में, अपनी साधना कक्ष में बैठा हुआ साधना में रत था। आप साधना कर रहे थे स्वर्ण देह अप्सरा की, और मैं साधना कर रहा था आपकी, आपकी साधना इस दृष्टि से कि मैं आप में से प्रत्येक शिष्य को
आंख रहा था, देख रहा था और ये समझ रहा था कि क्या इनके जीवन में कोई न्यूनता है या इनके जीवन की कोई विशेषता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके जीवन में न्यूनताओं की अपेक्षा विशेषताएं ज्यादा हैं। ये अलग बात है कि आपको स्वयं को अपने साहस का और बल का, क्षमता का आकलन नहीं है, एहसास नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। और ऐसा जिंदगी के प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं। आपकी जिंदगी में कोई क्षण नहीं आए, यही चित्र और यही माला और यही यंत्र पूरे जीवन भर के लिए तुम्हारे लिए उपयोगी है। इस स्वर्ण देह को प्रत्यक्ष उपस्थित करने का, बुलाने का और उनसे सब कुछ प्राप्त करने का, और मैं उस पूर्णावती प्रयोग से, उस आरती के माध्यम से मैं तुम्हारे सामने उसको प्रदान करता हूं कि वह जीवन भर तुम्हारी अनुसंगिनी रहे, तुम्हारे साथ में रहे, तुम्हारी आज्ञा माने और तुम्हारा प्रत्येक वह कार्य करे जो तुम चाहते। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि तुमने रात्रि को सही ढंग से साधनाएं की। मन को एकाग्र तुम नहीं कर पाए हो और मन को इतना जल्दी एकाग्र शायद नहीं भी कर सकते। अपने सामने उस उर्वशी के बिंब को स्पष्ट नहीं कर पाए हो और शायद इतना जल्दी नहीं भी कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे जीवन की पूंजी कुछ और है। यहां से जाने के बाद में फिर तुम उसी उन्हीं सारी पूंजी में अटक जाओगे कि ये साला करना है, ये इनसे बोलना है, ये इनसे लड़ाई करनी है, ये पैसा कमाना है, बस उस पूंजी में फिर अटक जाओ। क्यों? तुम्हारी कमाई कुछ और है, कर कुछ और है, विरोधाभास थोड़ा है। इसलिए कभी कभी मन एकाग्र नहीं होता, इसलिए असंशय असंशय है, इसलिए निश्चय अनिश्चय है। मगर कहीं पर भी हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं है। कल रात को मैंने तुम्हें एक ही बात कही थी कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल अपना हाथ सौंप लेना है। बिल्कुल 19 साल की औरत लड़की को कुछ ज्ञान नहीं है कि ये व्यक्ति क्या है, कैसा है। जब मेरी शादी हुई तब तो मैं तो अपनी पत्नी को देखा ही नहीं था, उस समय तो राजस्थान में देखा ही नहीं जाता था। पहले डेटिंग वगैरह नहीं होती थी, गए और पत्नी को पूछा और इंटरव्यू लिया, और भाई तुम कौन हो, मेरे साथ रहोगी भी नहीं रहोगी, तुम्हारा कोई लव अफेयर चल तो नहीं रहा है, क्या पोजिशन तुम्हारी, ऐसा अब तो शायद पूछते हैं। भाई कुछ हो तुम्हारे मन में किसी से लव अफेयर तो बता दो, मैं देख लो भैया। वो कहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ था वो सब फिनिश ऑनलाइन। और तुम भी कहते हो कि गया भी जरा मैं भी नहीं था, ये भी सुन ले, और तूने सब फिनिश कर दिया तो मैंने भी सब फिनिश कर दिया, अब तू मेरी और मैं तेरा, अब तो चलता है। हमारे जमाने में ऐसा था नहीं, हमारे जमाने में तो आज से 50 साल पहले तो कुछ था ही नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं, शादी के 3 साल बाद उस वाइफ को देखा पहली बार कि ये जो खड़ी है ये सब जिंदगी भर मेरे साथ चलेगी। मगर शादी के समय उसने चुपचाप मेरा हाथ, अपना हाथ मेरे हाथ में सौंप दिया, कुछ सोचा नहीं था, कमा के लाएगा कि नहीं लाएगा, कि सेवा करेगा कि सुख देगा कि संतान, कुछ नहीं, हाथ सौंप दिया, हाथ सौंप दिया और जीवन को पार लगा दिया। उसमें कुछ एहसास तो नहीं था उसको। और तुम्हें भी मैं वही बात कह रहा हूं कि तुम्हें अगर जिंदगी का एहसास नहीं है तो चुपचाप हाथ सौंप देना है, वो अपने आप जिंदगी को पार लगा देगा, क्योंकि उसमें क्षमता है। बीच मझधार में छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें, और मैं तुम्हें मझधार में छोड़ने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए पैदा हुआ हूं, तुम्हें जिंदगी को पार लगाने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं तुम्हारे जीवन को पूर्णता देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और मेरी उपस्थिति एक जिंदा व्यक्ति की उपस्थिति है, प्राणवान व्यक्ति की उपस्थिति है, चेतना व्यक्ति की उपस्थिति है। एहसास तुम्हें होना चाहिए, और जिस दिन यह एहसास हो जाएगा उस दिन अपने आप तुम्हारा जीवन समझ जाएगा, सज जाएगा, जगमगाहट प्रकाशित हो जाएगा। हमारे जीवन में जो कुछ गुरु ने काम सौंपा है वह हमें काम करना है। जो कुछ मैं अपनी पत्नी को काम सौंपता हूं वो करती है,
ये पूछ नहीं कि ऐसा कौन, मैं अभी कहता हूं 5000 रुपए मंदिर से ला के देना, तो फिर हिसाब किताब नहीं पूछेगा 5000 अभी जरूरत क्या है, रात को 4 बजे रुपए की जरूरत क्या है और 5000 अभी क्या करोगे, कुछ नहीं पूछती। उसको विश्वास है कि नुकसान कर ही नहीं सकता, और तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि गुरु तुम्हें गलत नहीं गाइड नहीं करेगा, जो तुम्हें काम सौंपा है वह तुम्हें करना है। अब मैं उस पूर्णावती प्रयोग के माध्यम से मैं उस स्वर्ण देह को पूर्ण रूप से आज्ञा देता हूं कि वह तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे अनुसंगी नहीं बने, प्रेमिका की तरह तुम्हारे साथ रहे, सखी की तरह तुम्हारे साथ रहे, स्त्री मित्र की तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे जीवन में मार्गदर्शन करे, तुम्हारे जीवन में सुख दे, पूर्णता दे, ऐश्वर्य दे, धन दे और जीवन का मूलभूत सत्य आनंद दे। और मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन को साधनाओं के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, जो कुछ गुरु कहे, जो कुछ इष्ट कहे, जिसको अपने जीवन तुम गुरु मानो, उसके साथ अनुरक्तता बरत सको, पूर्णता दे सको, उसमें डूब सको, अपने जीवन को आनंद प्रदान कर सको। और मैं ऐसा ही तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में सभी दृष्टियों से अनुकूलता बढ़ सको। दीक्षा का तात्पर्य है कि मैं तुम्हें जीवन में दक्षता दे रहा हूं। दक्षता का मतलब है कि तुम्हें सर्टिफिकेट दे रहा हूं तुम मेरे शिष्य हो और तुम कोई भी साधना कर सकते हो, जीवन की किसी भी प्रकार की साधना कर सकते हो, कठिन से कठिन, कठोर से कठोर और चैलेंज के साथ। क्योंकि दीक्षा का तात्पर्य है अपने प्राणों का अंश प्रदान करना, अपने शरीर की तेजस्विता प्रदान करना, अपनी साहस और क्षमता प्रदान करना और सब कुछ दे देना जो कुछ मेरे प्राणों में है, मेरी चेतना में है, मेरे भाव धारणाओं में है, मेरे ध्यान में है। एक तरह से एग्रीमेंट हो जाना कि तुम अपने जीवन को मुझे सौंपोगे, अपना शरीर, अपने प्राण, अपनी चेतना, और मैं तुम्हें पूर्ण सिद्धि दूंगा, साधना दूंगा, सिद्धाश्रम दूंगा, तुम्हारे जीवन की पूर्णता दूंगा। जहां तुम्हारा मेरा धागा टूट गया है, पिछले जीवन में जरूर मैंने आवाज दी होगी और तुम कान बंद करके चले गए होंगे, और शायद मैं तुम्हारी वजह से लगा रहा हूं, मुझे ध्यान है, मैं तो आज भी आवाज देता हूं, तुम कभी कभी कान बंद कर लेते हो, ये तुम्हारा कुल है, आवाज देना मेरा कुल है, मेरा धर्म है, बार बार तुम्हारे हृदय पे चोट करना मेरा कुल परंपरा है, और उस चोट को एहसास नहीं करना तुम्हारी कुल परंपरा है। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तुम अपना कार्य कर रहे हो, मगर ये बात गारंटी है कि जीतूंगा मैं, तुम नहीं जीत सकते, क्योंकि मैं तुम्हें जरूर उस रास्ते पर लेके चला जाऊंगा और जाऊंगा ही, हजारों लाखों लोगों के बीच में तुम्हें खड़ा करूंगा, चैलेंज के साथ, क्षमता के साथ, और उन हजारों तांत्रिकों के बीच में, सन्यासियों के बीच में, योगियों के बीच में भी प्रखर व्यक्तित्व के साथ तुम खड़े हो सकोगे, ऐसा मेरा स्वप्न है आंखों में तुम्हारे माध्यम से, और निश्चय तुम उसमें सफलता पा सकोगे, ऐसा मुझे विश्वास है।